दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं सहित सभी सदस्यों को जमकर पीटा। तहसील तिलोई थाना मोहनगंज के अंतर्गत ग्राम बेनीपुर मजरे विराज में गुड्डू की जमीन में गांव के दबंग छोटे लाल प्रेम कुमार और अपने अन्य साथियों के साथ जबरदस्ती गुड्डू की जमीन में मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे थे। और जब गुड्डू के घर वालों ने कब्जा करने से मना किया तो नहीं माने तो गुड्डू के घर से 112 नंबर पर फोन किया। फोन करने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जा कर रहे दबंगों को रोक दिया। पुलिस के जाते ही छोटे लाल प्रेम कुमार और अपने अन्य साथियों के साथ फिर से काम शुरू कर दिया। गुड्डू के घर वालों के मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और कब्जा करने लगे। गुड्डू के घर वालों ने कब्जा करने से मना किया तो छोटे लाल प्रेम कुमार बुग्गे और अपने अन्य साथियों के साथ लाठी डंडों से लेस होकर घर में घुसकर महिलाओं को और घर के सभी सदस्यों को जमकर मारा, जिसमें महिलाओं को गंभीर रूप से चोट आई। गुड्डू के घर वालों ने मोहनगंज कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी दबंगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश अमेठी से हमारे संवाददाता राज नारायण सिंह की रिपोर्ट। सुनीता देवी कहाँ के रहने वाली है? बेनीपुर के। क्या मामला है? मामला साहब, हमारे लड़कन का इंसाफ दिला दीन जाए बस। आगे बताइए परेशानी क्या। लड़कन का हमारे मारिन जबरदस्ती घर कब्जा कर लिए थे, हमारा हाथ टूट दी नहीं कब बताए न पुराना जख्म को न कार्रवाई हुआ तो नहीं न कल अप्लीकेशन दिए गए ने। अप्लीकेशन आपने दिया तो क्या हुआ? अब कौन गए इनकी, चलो तुम्हारे कल डॉक्टर ही हुए या हुए, ये हमारे कल से हाथ उठत नहीं है। अच्छा, किसने मारा आपको? कहाँ लगा चोट? ये हाथ में सब मकस के काज नहीं, हड्डी के रेखो के काम है कुछ पता नहीं, वही का बता रहे हैं पुराना जख्म। नहीं तो आप किसने मारा है? छोटे लाल के चारों लड़के रहे हैं। छोटे कहाँ के रहने वाले हैं? छोटे बेनीपुर के। चारों लड़कों का नाम बताइए। तीन लड़के, एक के संत कुमार नाम है, एक के प्रेम कुमार नाम है, एक के लल्लू और छोटे लाल, चार बंदे रहे हमारे में। हमारे बौरिया का मारत रहे तुम छुड़ावे गए तो हमारे हाथ में मार दिए ना, और फिर तुरंत भाग गए तान में कहने हम रुपा दे दिया मैम तुम कसब का भी ना मारे हम छोड़ बना छा जो का बला लो जा तुम देखी तो तुम्हारे कहाँ से सिफारस ला गए। हमका साहब हमका इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए।